गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। लास्ट क्लास में अपन ने स्टार्ट किया था पी उपकोष। एस उपकोष अपना कंप्लीट हो गया था, पी उपकोष अपन ने स्टार्ट किया था और पी उपकोष में अपन ने बताया था पी उपकोष दूसरे कोष से स्टार्ट होता है, 2p 3p 4p 5p 6p --, यानी 1p है वो नहीं होता, ठीक है। और जो कोई भी पी उपकोष है उसमें 3 कक्षक पाए जाते हैं, PX, PY और PZ। 2P होगा तो उसमें 3 कक्षक होंगे, 2PX, 2PY, 2PZ। 3P होगा तो उसमें भी 3 कक्षक होंगे, 3PX, 3PY, 3PZ, इस प्रकार से। अब अपन को पता है एक कक्षक में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं 2, तो 3 कक्षकों में इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 6, ठीक है। तो एक पी उपकोष में 6 होते हैं। तो एक पी उपकोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 6, क्योंकि एक पी उपकोष में कक्षक 3 होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन हो गए 6। पी कक्षक की आकृति अपन ने बताई थी डंबलाकार होती है, ठीक है। पी कक्षक की आकृति कैसी होती है? डंबलाकार आकृति होती है। इस टाइप से, ठीक है। अब देखिए, इस डंबल में 2 पालियां होती है, ऊपर वाली पाली में 1 इलेक्ट्रॉन, नीचे वाली पाली में 1 इलेक्ट्रॉन। इस प्रकार एक कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2, और उनका चक्रण एक दूसरे के विपरीत होता है। अब ये जो स्थान है जहां दोनों पालियां मिलती है, ये जो स्थान है जहां दोनों पालियां मिलती है, यहाँ इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना 0 होती है। और जहाँ इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना 0 होती है, वो स्थान होता है नोड, है ना। तो ये यहाँ पे नोड है, जहाँ दोनों पालियाँ मिलती है वहाँ इलेक्ट्रॉन की संभावना 0 होती है। तो देखिए, ये जो विभिन्न पी उपकोष हैं, 2p 3p 4p, इनको अपन डायग्राम से इस प्रकार से शो कर सकते हैं। अब देखिए, इस प्रकार से अपन डंबलाकार आकृति में पी उपकोषों को शो कर सकते हैं। अब देखिए, ये है सबसे अंदर की ओर
टुप्पी उपकोष, इसकी आधी पाली इधर, आधी पाली इधर, ठीक है, ये इसके बाहर की ओर डमलाकार आकृति में, थ्रीपी उपकोष और इसके बाहर की ओर ये फोरपी उपकोष, ठीक है। अब देखिए यहाँ ऐसे स्थान जहाँ इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना शून्य होती है वो दो प्रकार के होते हैं, यानी यहाँ नोड है वो दो प्रकार के होंगे, एक तो नोडीय तल और एक त्रिज्य नोड। अपन ने एस उपकोष पढ़ा था, वहां पे नोड है वो गोलाकार आकृति में था, उसको कहा था नोडीय पृष्ठ। यहां पे नोड दो प्रकार के होते हैं, नोडीय तल और त्रिज्य नोड। अब देखिए ये जो स्थान है जहां पे डंबल की दोनों पालियां आपस में मिलती हैं, ये है यहां पे इलेक्ट्रॉन की संभावना क्या होगी, शून्य होगी। ये वाला स्थान है, ये यहां इलेक्ट्रॉन की संभावना शून्य होगी, ये है नोडीय तल, ठीक है। और ये जो अपन चक्कर जैसी संरचना देख रहे हैं, ठीक है, यहां पे भी इलेक्ट्रॉन की संभावना क्या होगी, शून्य होगी। इनको अपन कहेंगे त्रिज्य नोड, इनको क्या कहेंगे, त्रिज्य नोड कहेंगे, ठीक है। अब देखिए पी उपकोष में नोड की संख्या, पी उपकोष में नोड की संख्या एन माइनस दो से निकाली जाती है। एस उपकोष में नोड की संख्या का सूत्र था एन माइनस वन, पी उपकोष में यहां नोड की संख्या निकालने का सूत्र है एन माइनस टू। यहां पे स्मॉल एन, स्मॉल एन यहां पे है कोस या ऊर्जा स्तर, ठीक है। और ये कौन से नोड होंगे, त्रिज्य नोड होंगे, ये वाले नोड होंगे। तो देखिए टुप्पी उपकोष में, अब यहां टुप्पी के लिए स्मॉल एन की वैल्यू टू, तो टू माइनस टू इजगल टू जीरो। अपन देख सकते हैं ये टुप्पी उपकोष है, इसके अंदर की ओर कोई भी नोड नहीं है, है ना, त्रिज्य नोड कोई भी नहीं है, तो इसका जीरो आ गया। थ्री पी के लिए थ्री माइनस टू बराबर वन, ये कौन से नोड की संख्या बता रहे हैं अपन, त्रिज्य नोड की संख्या। तो देखिए ये थ्री पी उपकोष रहा, इसके अंदर की ओर त्रिज्य नोड कितना है, एक है, तो ये त्रिज्य नोड यहाँ पे आ गया एक। फोर पी उपकोष के लिए फोर पी ये रहा, इसके अंदर की ओर ये त्रिज्य नोड कितने हैं, दो है, तो फोर पी के लिए स्मॉल एन की वैल्यू चार, चार माइनस दो बराबर दो। तो इस प्रकार अपन यहाँ पी उपकोष के लिए त्रिज्य नोड की संख्या एन माइनस दो से निकालते हैं। तो ये अपना पी उपकोष हो गया। ध्यान रहे किसी भी पी उपकोष में कक्षक कितने होते हैं, तीन होते हैं, पी एक्स, पी वाई और पी जेड। एक कक्षक में दो इलेक्ट्रॉन, तो तीन कक्षकों में छह इलेक्ट्रॉन। तो एक पी उपकोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, छह होते हैं। और पी कक्षक की आकृति कैसी होती है, डमलाकार होती है।
अब अपन करेंगे डी उपकोष। अब डी उपकोष स्टार्ट होता है तीसरे कोष से, 3D, 4D, 5D, 6D, डैश डैश डैश, यानी 1D नहीं होता, 2D भी नहीं होता, डी तीसरे कोष से स्टार्ट होता है, ठीक है। और एक डी उपकोष में 5 डी कक्षक होते हैं, एक डी उपकोष में 5 डी कक्षक होते हैं, और ये 5 डी कक्षक इस प्रकार से होते हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। तो ये 5 डी कक्षक इस प्रकार से होते हैं। अब देखिए, एक कक्षक में अपन इलेक्ट्रॉन भरते हैं अधिकतम कितने, 2, तो 5 कक्षकों में इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 10। तो इसका मतलब एक डी उपकोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 10 होते हैं। एक डी उपकोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन बराबर 10, ठीक है। अब देखो 3D उपकोष होगा तो उसमें 5 कक्षक होंगे, 3D एक्स वाई, 3D वाई जेड, 3D जेड एक्स, 3D एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर, 3D जेड स्क्वायर। इसी प्रकार 4D होगा, उसमें भी 5 होंगे, 4D एक्स वाई, 4D वाई जेड, 4D जेड एक्स, 4D एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर, 4D जेड स्क्वायर, है ना। और कोई भी डी उपकोष हो उसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन होंगे 10, ठीक है। अब देखिए डी कक्षक की आकृति, डी कक्षक की आकृति होती है द्विडम्बलाकार, डी कक्षक की आकृति कैसी होती है, द्विडम्बलाकार होती है। पी कक्षक की आकृति बताई थी डम्बलाकार, और डी कक्षक की आकृति होती है द्विडम्बलाकार, ठीक है। अब देखिए जो डी कक्षक है वो 2 प्रकार के होते हैं। डी कक्षक 2 प्रकार के होते हैं, एक तो निरक्षीय डी कक्षक, निरक्षीय डी कक्षकों को कहा जाता है टिट्टू जी। निरक्षीय डी कक्षकों क्या कहते हैं, टिट्टू जी। और ये 3 होते हैं, कौन से 3, शुरू वाले 3, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स। तो ये शुरू वाले 3 डी कक्षक है, इनको कहा जाता है निरक्षीय डी कक्षक या टिट्टू जी। और लास्ट वाले जो 2 है, डी एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, इनको कहा जाता है अक्षीय डी कक्षक, अक्षीय डी कक्षक या इनको इजी डी कक्षक कहा जाता है। ये 2 होते हैं, डी एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। तो इस प्रकार जो 5 डी कक्षक होते हैं उनको 2 भागों में डिवाइड किया जाता है, निरक्षीय डी कक्षक या जिनको टिट्टू जी कहते हैं, अक्षीय डी कक्षक या जिनको इजी कहते हैं। निरक्षीय टिट्टू जी 3 होते हैं, डी एक्स स्क्वायर, डी वाई जेड, डी जेड एक्स।
और अक्षीय डी कक्षक या ईजी दो होते हैं, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। अब देखिए, अब अपन इनको डायग्राम से शो करेंगे। अपन ने अभी अभी कहा डी कक्षकों की आकृति कैसी होती है, द्वि डमलाकार। तो पहले अपन निरक्षीय डी कक्षक करेंगे। जिनको टिट्टू जी भी कहा जाता है, और ये तीन होते हैं डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स। ठीक है, अब देखिए इनमें सबसे पहले अपन डी एक्स वाई को शो करेंगे। तो यहाँ पे एक तो एक्स एक्स होगी और एक वाई एक्स ले लेंगे, एक तो एक्स एक्स ले ली और एक वाई एक्स। अब ये निरक्षीय होते हैं, ये डी कक्षक कौन से होते हैं, निरक्षीय, यानी ये अक्षों के ऊपर नहीं बनेंगे, ये अक्षों के बीच में बनेंगे। तो यहां पे अपन दो डंबल अक्षों के बीच में बना देंगे। तो ये दो डंबल हो गए, यानी द्वि डंबलाकार आकृति हो गई, और यहाँ अपन ने एक एक्स एक्स ली और एक वाई एक्स, तो ये कौन सा डी हो गया, डी एक्स वाई हो गया, है ना। तो ये निरक्षीय हो गया क्योंकि ये अक्षों के बीच में बना है। ठीक है, इसी प्रकार डी वाई जेड, वाई एक्स ले लेंगे, जेड एक्स ले लेंगे, और ये भी निरक्षीय होता है। तो यहां पे भी दो डंबल दोनों अक्षों के बीच में, तो ये डी वाई जेड। एक्स एक्स, जेड एक्स, ठीक है, यहां डी जेड एक्स को शो करेंगे। ये भी निरक्षीय होता है, तो यहां पे भी दोनों डंबल दोनों अक्षों के बीच में। ठीक है, तो ये तीन निरक्षीय डी कक्षक हो गए, जिनको टिट्टू जी कहते हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स। अब अपन बनाएंगे अक्षीय डी कक्षक। अक्षीय डी कक्षक जिनको ईजी कहा जाता है, ये दो होते हैं, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। ठीक है, तो अक्षीय डी कक्षक ईजी दो होते हैं, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। अब ये अक्षीय होते हैं, मतलब यहां डंबल है वो अक्षों के ऊपर बनेंगे। तो एक एक्स एक्स ले ली और एक वाई एक्स ले ली, क्योंकि यह डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब ये अक्षीय होता है, तो यहां अपन डंबल है दोनों डंबल अक्षों के ऊपर बना देंगे। तो ये डंबल आप देख सकते हो इन अक्षों के ऊपर बने हैं, तो ये अक्षीय डी कक्षक है, कौन सा, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब अपन शो करेंगे डी जेड स्क्वायर को। अब यहां पे अक्ष है वो केवल एक, कौन सी, जेड। अब अपन यहां डी जेड स्क्वायर को शो करेंगे। अब यहां अक्ष एक ही है जेड, और इस पे कितने डंबल शो करने हैं, एक ही अक्ष पे दो डंबल शो करने हैं, क्योंकि डी की आकृति क्या होती है, द्वि डंबलाकार। तो देखिए इस एक ही अक्ष पे अपन दो डंबल किस प्रकार शो करेंगे,
ये एक डंबल तो इस प्रकार हो गया, ठीक है। अब दूसरा डंबल है उसकी आधी पाली तो आपकी तरफ और आधी पाली है वो बोर्ड के अंदर की तरफ, इस प्रकार से होगा दूसरा डंबल। तो इस डंबल को अपन ये गोला बनाकर दिखाएंगे। तो ये एक ही अक्ष पे कितने डंबल हो गए, दो डंबल हो गए, ठीक है ना। तो इस प्रकार दर्शाते हैं डी जेड स्क्वायर को। एक डंबल तो ये हो गया और ये जो गोला दिखाया है ये दूसरा डंबल है, इसकी आधी पाली तो आपकी तरफ है और आधी पाली है वो बोर्ड के अंदर की तरफ है। तो इसको गोला बनाकर दिखा देंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से ये पांचों डी कक्षक है इनको दो भागों में डिवाइड किया जाता है, निरक्षीय डी कक्षक और अक्षीय डी कक्षक, ठीक है। और डी उपकोष में त्रिज्य नोड की संख्या, डी उपकोष में त्रिज्य नोड की संख्या दर्शाई जाती है n माइनस 3 से, क्योंकि डी कहां से स्टार्ट होता है, तीसरे कोष से स्टार्ट होता है, इसलिए यहां पे त्रिज्य नोड की संख्या n माइनस 3 से दर्शाई जाती है। तो 3d उपकोष के लिए ये n का मान 3, तो 3 माइनस 3 0, तो 3d उपकोष के लिए त्रिज्य नोड 0। 4d के लिए 4 माइनस 3 बराबर 1। इस प्रकार यहां d में त्रिज्य नोड की संख्या दर्शाई जाती है। अब देखिए अब अपन करेंगे एफ उपकोष। एफ उपकोष स्टार्ट होता है चौथे कोष से, तो ये 4f 5f 6f इस प्रकार से होंगे, ठीक है। और एक एफ उपकोष में 7 कक्षक होते हैं। अपन ने कहा था एस उपकोष में 1 कक्षक होता है, पी उपकोष में 3 कक्षक होते हैं, डी उपकोष में 5 कक्षक होते हैं, एफ उपकोष में होते हैं 7 कक्षक, ठीक है। अब 7 कक्षक है, 1 कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 7 में 14 इलेक्ट्रॉन, तो एक एफ उपकोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने, 14, ठीक है। इस प्रकार से एक एफ उपकोष में 7 कक्षक हो जाएंगे। और ये इन 7 कक्षकों में 14 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए एफ कक्षक है उनका नामांकन नहीं किया गया है और ना ही उनकी आकृति या ज्यामिति को दर्शाया जा सकता है, ठीक है ना। जिस प्रकार पी कक्षकों का नामांकन किया गया है, पी एक्स पी वाई पी जेड और उनकी आकृति डमलाकार होती है, डी का नामांकन किया गया है डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड जेड एक्स डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर उनकी आकृति द्विडम्बलाकार होती है, वैसे एफ कक्षकों का नामांकन और ज्यामिति के बारे में कुछ भी नहीं दर्शाया गया, ठीक है। बस आप ध्यान में रखिए एफ उपकोष चौथे कोष से स्टार्ट होता है 4f 5f, एक एफ उपकोष में 7 कक्षक होते हैं और इसलिए एक एफ उपकोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने भरे जाते हैं, 14 भरे जाते हैं, ठीक है। तो ये अपने सभी उपकोष और कक्षक कंप्लीट है।
अपन ने कहा था परमाणु में कोष होते हैं, कोष के बारे में जान लिया, KLMN, कोष में उपकोष, SPDF, फिर उन SPDF के कक्षक, ठीक है, और कक्षक में भरे जाते हैं क्या, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन का जब अपन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे तो अपन को इन उपकोष और कक्षकों के बारे में अच्छी तरह से जानकारी होनी चाहिए, कौन सा उपकोष कहाँ से स्टार्ट होता है, कौन से उपकोष में कितने कक्षक होते हैं और कौन से उपकोष में कितने अधिकतम इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, तो ये आप अच्छी तरह से कर लेना, ये अपने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में बहुत ज़्यादा सहायक होंगे, ठीक है। आगे का अपन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।